हेलो फ्रेंड्स, स्टार गौरव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 11 के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं बीच में प्रश्नों पर टिक लगवाता हूं और जो प्रश्नों पर मैं टिक लगवाता हूं वह प्रश्न बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 11 का नाम है एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर, ठीक है। इसमें से आपके कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आएगा केवल 4 अंक का, ठीक है। अंक 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल क्या है, इनके विभेद की विक्टर मेहर विधि को समीकरण सहित समझाइए। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2020 एग्जाम के लिए। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ओके। दूसरा प्रश्न है लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल लिखिए, इनमें विभेद लिखना है, ठीक है। लिखिएगा लिख गया, इनमें विभेद लिखना है, ठीक है। विभेद मतलब अंतर, ओके। तीसरा प्रश्न है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन अभिक्रिया का समीकरण तथा रेखा चित्र देते हुए कीजिए तथा दो सावधानी लिखिए। यह प्रश्न आपका ऐसे भी आ सकता है, डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। नंबर 1 रासायनिक समीकरण, नंबर 2 विधि, नंबर 3 शुद्धिकरण, नंबर 4 क्या यह ईथरीकरण विधि है। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न 2020 के एग्जाम के लिए। यह प्रश्न भी आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप उसको, फिर आप इसको, पहले आप मोस्ट को याद कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप जितनी याद करना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो वो करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिरे से एथिल एल्कोहल बनाने की किण्वन विधि का वर्णन कीजिए, एंजाइम के नाम एवं अभिक्रिया के समीकरण लिखिए, ठीक है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सिरे से एथिल एल्कोहल बनाने की किण्वन विधि को निम्न बिंदुओं में समझाइए, तनुकरण, किण्वन, आसवन। यह प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर लिखिए, ठीक है। यह प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। दोस्तों, मैंने जो आपको पहला और डाई एथिल ईथर वाला प्रश्न बताया था, यानी तीसरा होगा, वह प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, दोनों अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न पक्का मिल जाएगा 2020 के एग्जाम में, ओके। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से याद करो। और दोस्तों, पढ़ो ज़रूर, रोज़ मेहनत करो, अब पढ़ना है तुम्हें, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए अब पढ़ो, मेहनत करो और पढ़ाई में कोई कंजूसी मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि 2-3 महीने रह गए हैं, तुरंत निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, बाय बाय।